एक पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा ही कुछ मामला कोरोना वायरस को लेकर भी है। इस समय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ में, हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं क्या एहतियात बरतें हैं लोग सबसे पहले। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो है बहुत बड़ी आशंका, भय भ्रम और शंका, और आशंका कुशंका। तो कहीं ना कहीं हमको भय भ्रम आशंका कुशंका से अलग हटकर थोड़े अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की सुरक्षा के लिए क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट के हैं। इसमें मेन बहुत छोटी छोटी बातें करूँगा अनुराग जी आपसे, कि एक तो बहुत लोगों में ये भ्रम है कि सैनिटाइज़र बहुत इफेक्टिव है। यदि सैनिटाइज़र की क्वालिटी में 70% से अल्कोहल कम है तो फिर वो उसकी इफेक्टिविटी कम होती है, लेकिन लोग अक्सर मैंने देखा है कि जब उनको सैनिटाइज़र दो तो दो बूंद ऐसे करके निकल जाते हैं। सैनिटाइज़र के लिए मैं एक संक्षिप्ततम चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी लें कम से कम 3 से 4 ग्राम लें, पहले दोनों हथेलियों को ऐसे मालिश करें, फिर उसके बाद उंगलियों को ऐसे ऐसे करें, फिर इस उंगली को ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे अंगूठे को पूरा ऐसा करें, फिर हर एक उंगली पर सैनिटाइज़र अच्छे से लगाने के बाद दोनों हाथ की, फिर इस हथेली से इन उंगलियों के टिप्स को रगड़ें, इस हथेली से इन टिप्स को रगड़ें, और फिर कोहनी तक, मतलब कलाई तक पूरा का पूरा। सिर्फ रस्मदायगी नहीं सर, लोग रस्मदायगी कर रहे हैं, गलत है। दूसरा, जो सोशल मीडिया में जो जोक्स और वो सब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इसे बहुत गंभीरता से लेने का विषय है। जोक्स में तो जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि पब्लिक कर्फ्यू होना चाहिए, इसका भी मजाक उड़ाया लोगों ने, ये बहुत गलत चीज़ है, लोग इसकी गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, इटली में स्वास्थ्य सेवाओं का क्रमांक पहले 5 में है, हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं का क्रमांक 100 के बाद है। यदि हमसे 20 गुना बेहतर जिस देश में स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उस देश के लोगों ने इस बीमारी को लाइटली लिया, वहाँ का भयावह दृश्य सबके सामने है, विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं मास्क के बारे में कहूँगा कि लोग मास्क के बारे में बहुत भ्रम फैला रहे हैं, जो स्तरहीन मास्क है वो नहीं पहनना चाहिए। सामान्यतः अब लोगों को कपड़े के मास्क पर आना चाहिए, 2 कपड़े के मास्क बनवाएं, लेकिन उसमें भी मैं एक ही बात बोलूँगा कि कपड़े के मास्क में एक साइड पर लोग A लिख लें, अंदर की साइड पर लोग B लिख लें। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब लोग मास्क पहनते हैं, उठाया मास्क पहना, खाना वाना कुछ लिया, उसके बाद फिर से मास्क पहन लिया, तो अंदर की सतह कई बार बाहर और बाहर की सतह कई बार अंदर, या सावधानी कतई नहीं रखते, तो उन्हीं के मास्क पर बाहर का कीटाणु जब वो सतह अंदर चली जाएगी तो उनके लिए घातक होगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मास्क कपड़े के लिए, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उसका मास्क लें, अच्छे से पहनें, और उसकी सतह बार बार बदल कर नहीं पहनें, और ये जागरूकता रखें कि अंदर की सतह अंदर और बाहर की सतह बाहर है। यदि बाजार में जो मास्क इस वक्त मिल रहे हैं, शॉर्टेज की वजह से कीमतें बहुत हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि उनको खर्च भी बचेगा और उनकी सुरक्षा भी बढ़ेगी। अच्छा, इस बीच कोई दवा जिसके ऊपर चर्चा हुई हो, कोई ऐसी दवा लें जिससे लोगों को लाभ हो सकता है इससे बचाव के लिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहुत शोध और बहुत युद्ध स्तर पर सारे के सारे प्रयास जारी हैं, लेकिन एक तो जो दवाइयाँ हम स्वाइन फ्लू में वापरते हैं वो किसी हद तक इफेक्टिव है, दूसरा जो एड्स में जो दवाइयाँ हैं वो किसी हद तक इफेक्टिव है। एक और चमत्कारिक चीज़ सामने आ रही है जिसके बारे में अभी पूरे प्रमाण तो इकट्ठा नहीं हुए हैं, लेकिन चिकित्सा जगत इस पर बहुत शोध कर रहा है और अमेरिका में इस पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। मलेरिया की जो दवाई क्लोरोक्विन है, उसकी एक सिंगल टेबलेट एक व्यक्ति यदि 500 पावर की सप्ताह में एक बार लेता है, तो वो एक सप्ताह तक उसकी प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस के अगेंस्ट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखेगी। एक गोली लेना गारंटी नहीं है, पर सुरक्षा के पैमाने को यदि ऊपर ले जाती है और सुरक्षा बढ़ाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत, एक तरह से देखा जाए तो यदि ये प्रभाव इसका जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा वो आ गया सामने, तो ये बहुत लोगों के लिए वरदान साबित होगा। कोई ये महंगी दवा है, सामान्य तौर पर मिल जाती है? मैं समझता हूँ कि सामान्य तौर पर 500 पावर की अच्छी कंपनी की क्लोरोक्विन की बहुत कीमत होगी, तो 2-3 रुपये प्रति टेबलेट होगी, बहुत सस्ती दवाई है। लेकिन हो सकता है कि परिस्थिति जन्य हालात ऐसे रहे कि जैसे अचानक मास्क गायब हुए, अचानक सैनिटाइज़र गायब हुए, ऐसी आशंका है कि शायद यदि क्लोरोक्विन के बारे में भी और रिसर्च सामने आई तो हो सकता है ये भी मार्केट में शॉर्टेज आ जाए। कई बार शॉर्टेज इसलिए भी आती है कि वृहद स्तर पर जरूरत होती, कई बार थोड़ी कालाबाजारी भी। ये थोड़ा चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ सीधा सवाल नहीं है, फिर भी लोग जो हैं वो अवेयर नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। देखिए, इस वक्त तो किसी को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी पालें आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि आपने मुगालता पाला है तो क्या नुकसान होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आने वाले दृश्यों को टीवी पर देखें,
उसकी मजाक नहीं उड़ाएं, उसे गंभीरता से लें और खुद को सुरक्षित करें, खुद की सोशल डिस्टेंसिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग करके साथ साथ छोटे 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 यदि हम सुरक्षा के उपाय रखेंगे तो ये बड़ा हम समझते हैं कि इससे बड़ा प्रमाण मिलेगा या बड़ा लाभ मिलेगा। अन्यथा यदि हिंदुस्तान में ये बीमारी फैलती है तो क्या स्वरूप होगा और कितनी भयावहता होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिए हैं और जिस तरह आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कल थाली और ताली बजाने के नाम पर जुलूस निकाल दिया, उसका भी उन्होंने विरोध किया है। निश्चित तौर पर देखिए, किसी की भी प्रशंसा में यदि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि प्रशंसा में या उत्साहवर्धन में कुछ काम करें, तो उन्होंने साथ में ये भी अपील की थी कि घर के छत पर या बालकनी में खड़े होकर करें, सड़क पर इस तरह का नाच करने और सड़क पर इस तरह खुशियाँ जाहिर करने का प्रधानमंत्री ने आह्वान नहीं किया था। प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस वक्त की पहल को यदि मैं देखूं तो मैं सच में उनको प्रणाम करता हूं, उनकी पहल को, कि इतनी अच्छी पहल है। लेकिन एक मुखिया की शब्दशः बात मानना इस देश के प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। आंख बंद करें, नीति और राजनीति से अलग हटकर इस वक्त देश नीति, लोक नीति, राष्ट्र नीति और सबके भले में अपना भला, इस आधार पर मैं समझता हूँ कि जनता को प्रधानमंत्री के निर्णयों के पीछे खड़ा होना ही पड़ेगा, होना चाहिए। और यदि इसमें राजनीति हुई, किसी प्रकार का इसमें अलग अलग दलों का भेदभाव हुआ, तो इसके परिणाम और ज़्यादा खतरनाक होंगे। एक सामान्य सी चीज़ लोग ये जानना चाहते हैं एक डॉक्टर से कि हम बात करें तो कितनी दूरी से करें, हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते करें, कई सारी चीज़ें आई हैं जो हमारे दर्शन से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सामान्य तौर पर यदि हम डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए, परंतु कई बार 1 मीटर पर जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, ऐसे में कई बार हम फोकस नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज़ है। थोड़ी बहुत देर के लिए यदि बहुत ज़रूरी है, क्राउड बहुत है, तो यदि पास रहते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं समझता हूँ कि दूर ही रहना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ कर चलना चाहिए कि उसके कपड़े पर, उसके मास्क पर, उसके चेहरे पर भी कोरोना हो सकता है और सामने वाले के भी कपड़े, मास्क या चेहरे पर कोरोना हो सकता है। यदि वो ये दिमाग में रखकर चलेगा तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा जागरूक होकर सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार और लोगों के बीच में और व्यापारिक व्यवहार में, मैं समझता हूँ, दूरी के साथ साथ सावधानी खुद की भी और सामने वाले की भी सुरक्षा के लिए दायित्व उसका सामने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर JP पालीवाल साहब बता रहे थे कि इस समय थोड़ी सी दूरियां बनाएं, हालांकि हमारी जो संस्कार संस्कृति है वो दूरी की बात नहीं करती, लेकिन फिलहाल कोरोना से अगर पर्याप्त दूरी बनाना है तो आपस में भी थोड़ी दूरी बनाकर चलें। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, है नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC।
देख रहे हैं दखल न्यूज़।